बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? ठीक हो? उम्मीद करना ठीक हो। सो अज असी बनाने लगे हैं जी चिकन कबाब। किस तरह बनसी, किन किन चीज़ों नाल बनसी, आप तो सुनाल शेयर करने हैं। मेरे पास तकरीबन 1.5 किलो चिकन का कीमा है, तो अब इसमें डालेंगे मसाले। तो सबसे पहले इसमें डालेंगे एक टीस्पून गरम मसाला, एक टीस्पून चाट मसाला, एक टीस्पून रेड चिली पाउडर, एक टीस्पून धनिया पाउडर, एक टीस्पून जीरा पाउडर, एक टीस्पून से थोड़ा ज्यादा जी, तो 1.5 टीस्पून इसमें नमक डाला है, तो 1 टीस्पून डालेंगे चिली फ्लेक्स। और बीच में कैमरा बंद हो गया था तो नमक का बताना भूल गए थे, तो चिली फ्लेक्स डाल के फिर ये 2-3 ग्रीन चिली है बारीक कटी हुई, ये डालेंगे इसमें। दो मीडियम साइज के प्याज थे, इनको काट के इनसे मैंने पानी अच्छी तरह निकाल लिया है, तो पानी निकाल के डालना, इससे कबाब टूटेंगे नहीं। ये डाल के एक मुट्ठी पालक डालना इसमें, और एक मुट्ठी इसमें धनिया की डालना। ये डाल के 2 टेबलस्पून मैदा है ये डालेंगे इसमें, और 2 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च मकई का आटा ये डालेंगे। सारी चीजें डाल के इसको अच्छी तरह करेंगे मिक्स। जी तो माशाल्लाह कीमे को हमने अच्छी तरह मसालों में मिक्स कर लिया है, तो थोड़ी देर इसको रेस्ट भी दिया है, तो हम इसके बनाएंगे कबाब। तो कबाब हम बनाएंगे तवे पे, इनको डीप फ्राई नहीं करेंगे, ऐसे शलो फ्राई करेंगे। तो थोड़ा सा तेल हाथ पे लगा के ऐसे गोल गोल घुमाएं, और जितना बड़ा मर्जी आप बनाएं टूटेगा नहीं, इसमें कॉर्न फ्लावर भी है और मैदा भी है, तो इस वजह से ये टूटेगा नहीं इंशाल्लाह। ये देखें माशाल्लाह, थोड़ा सा तेल तवे पे डाल दें, तो जबरदस्त करके बनेंगे, बहुत जबरदस्त बनेंगे इंशाल्लाह कबाब के। देखें माशाल्लाह, आप रखें जितना मर्जी इसको बड़ा करें, चपली कबाब की तरह बनाएं या वैसे बनाएं, ऐसे ही कुछ बना लें, तो फिर मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह। जी माशाल्लाह देखें बहुत ज़बरदस्त बन रहे हैं, तो 2-3 मिनट एक साइड से पकाए हैं, तो साइड इनकी चेंज की है, तो 2-3 मिनट लगेंगे दूसरी साइड से भी पकने में, तो मिलते हैं फिर थोड़ी देर में इंशाल्लाह। जी माशाल्लाह देखें जी ज़बरदस्त बने, ये देखें माशाल्लाह बड़े प्यारे बने, तो अब इनको उतारेंगे। माशाल्लाह तैयार हो गए, ये दूसरी साइड से देखें माशाल्लाह, बहुत सिंपल सी और आसान सी रेसिपी है, तो ज़रूर ट्राई करना। ये देखें माशाल्लाह, तो थोड़े रहते हैं वो भी बना ले, तो फिर आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह। जी तो माशाल्लाह देखें जी, जो बाकी थोड़े रहते थे वो भी तैयार हो गए हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, ज़रूर ट्राई करना, बड़े प्यारे बने हैं, तो है भी आसान है और बड़े जल्दी बन भी जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज की हमारी वीडियो आप लोग ज़रूर पसंद करेंगे,
अगर वीडियो पसंद आए तो फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, बेल आइकन को भी दबाना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।